दोस्तों, इस वीडियो हम बात करेंगे क्विक कॉइन क्विक स्वैप कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, एंट्री लेवल्स और आने वाले दिनों में आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है और जिनका पोर्टफोलियो पहले से ही क्रिप्टो में डाउन के अंदर है, 40-50-60% तक डाउन है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट किए ताकि वहाँ पर उनको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रेटेजी शेयर की जा सके, कैसे अपने क्रिप्टो लॉस को मैनेज करना है, कैसे आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, टेक्निकल चीज़ें सीखने को मिलेगी, सिग्नल्स आपको शेयर की जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो इंटरेस्टेड है वो इंस्टा पर डीएम करके ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। करंटली कॉइन 0.45 USD पर ट्रेड कर रहा है, ये 15 मिनट का चार्ट ओपन है और लगातार डाउन ट्रेंड, लगातार डंप हमें ओवरऑल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट और इस कॉइन के अंदर देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हमारे इस कॉइन के अंदर निकल के आ रही है। आज 31st of December है, यानी कि 2022 का लास्ट डे है और लास्ट डे में भी हम आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर जो भी हम रेगुलर आपको अपडेट देते हैं वो ज़रूर आपको शेयर कर रहे हैं और आने वाले साल में भी हम आपको रेगुलर बेसिस पर रेगुलर अपडेट देते रहेंगे। तो इस सारी चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। 45 USD पर ये कॉइन ट्रेड कर रहा, पिछले 5-6 दिनों से हमें लगातार इसकी प्राइस में रेड कैंडल देखने को मिल रही है। इससे पहले इसने ऑलमोस्ट 46-47 वाले एरिया पर स्टेबिलिटी मेंटेन की थी, लेकिन अभी पिछले 3-4 दिनों से थोड़ा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इससे पहले FTX कोलैप्स के टाइम पे इस कॉइन ने 43 USD वाला लो बनाया था, 79 USD वाले एरिया से डंप देखने को मिला था। तो अभी करेंटली अगर सपोर्ट एरिया की बात करें तो 40-42 USD के अराउंड में इसको एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, जिसको FTX कोलैप्स के टाइम पे भी इस कॉइन ने मेंटेन किया था और अभी भी इस कॉइन ने यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है। ये जो डंप हमें देखने को मिला था, FTX कोलैप्स के बाद मूवमेंट हुआ था, उसके बाद जो डंप था, इसका रीजन है कि US के अंदर एक बड़ी फर्म है, क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग फर्म है, उसका कोलैप्स देखने को मिला, यानी कि उसकी तरफ से बैंक करप्सी फाइल की गई। रीजन था कि क्रिप्टो में जो डाउन ट्रेंड है और एनर्जी कॉस्ट वगैरह उनकी बढ़ रही है, तो इस वजह से ये जो डंप है देखने को मिला। अब अगर BTC की बात करें, इन कॉइन्स में तो हमें बड़ा डंप देखने को मिल ही रहा है। BTC जो है वो एक अच्छे एरिया पर सर्वाइव कर रहा है, एक अच्छे एरिया पर स्टेबिलिटी मेंटेन है, तो ये हमारे लिए ओवरऑल अच्छी बात भी है कि कहीं ना कहीं BTC अपना सपोर्ट लूज नहीं कर रहा है। अब एंट्री की अगर बात करें तो ओवरऑल ये कॉइन 45 USD पर ट्रेड कर रहा है। 4 आवर का चार्ट भी यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, तो 4 आवर में देखिए, इससे पहले इसने 46-47 वाले एरिया पर स्टेबिलिटी मेंटेन की थी, लेकिन अभी थोड़ा सा डंप है। तो प्रीवियस जो 43 वाला एरिया, वहीं तक प्राइस हमें ऑलमोस्ट देखने को मिल रही है, जहाँ पर हमें 2 मंथ एगो इसकी प्राइस देखने को मिल रही थी। तो जिन लोगों ने बाय नहीं किया है, बाय करना चाहते हैं, 45 USD पर ये कॉइन ट्रेड कर रहा, इस कॉइन में एंट्री आप ले सकते हैं। अच्छा लेवल है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सेफ एंट्री रहेगी। बहुत ज़्यादा रिस्की तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क तो आपको पता है, वो तो आपको लेकर ही चलना पड़ेगा माइंड में, लेकिन बहुत ही कम रिस्क है इस लेवल पर। वो लेवल नहीं है कि 80 USD पर ट्रेड कर रहा है, 100 USD पर ट्रेड कर रहा है, बहुत लो लेवल है, जहाँ से आप चाहें तो ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के परस्पेक्टिव से अच्छे टाइम फ्रेम तक होल्ड कर सकते हैं। ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से आपको कभी भी ये कॉइन यहाँ से जैसे ही 55-59 को वापस ट्राई करेगा, आपको यहाँ से 20-25% का क्विक प्रॉफिट देकर चला जाएगा। तो 45 USD पर आपको एंट्री लेनी, एंट्री आपको 80% पार से लेनी। ये जो भी मैं वीडियो शेयर करता हूँ उसको आप प्रॉपर और पूरा देखा करें, जो भी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ किस टाइप से आपको बाय करना है, कितने पार्ट में बाय करना है, किस कौन सा आपके लिए टारगेट्स रहेंगे, सारी चीज़ें आपको अच्छे से सुनना है और उनको फॉलो करना है। 45 USD पर आपको एंट्री लेनी है, उसके बाद अगर थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलता है, जो कि हो सकता है किस टाइप की चीज़ हो सकती है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। 20% पार्ट से आपको 41 या 42 के अराउंड में आपको सेकंड एंट्री लेनी है, अगर सपोर्ट एरिया को ट्राई करता है तो 20% पार्ट से, इस टाइप से 80-20 के रेशो में आपको एंट्री लेनी है। अब यहाँ से जैसे ही मूवमेंट होगा, तो यहाँ से नॉर्मली ये कॉइन 55 से लेके 58-60 USD पर वापस ट्राई करेगा, चाहे वो 1-2 दिन में ट्राई करे या फिर नॉर्मल रिकवरी हो। हालांकि इस कॉइन में इस टाइप के ब्रेकआउट्स होते रहते हैं, जिसमें 20-30% के मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि पिछले 2 महीने से बहुत कम ऐसे कॉइन हैं जिनमें इस टाइप का ब्रेकआउट देखने को मिले। कुछ कॉइन्स हैं जिनमें ब्रेकआउट देखने को मिले, उनको हमने ग्रैब किया, जैसे बीटा फिनांस कॉइन हो गया, इसके अलावा फोर्स टोकन हो गया, वो जो हम रेगुलर आपको उनसे रिलेटेड एंट्री भी शेयर करते हैं। टारगेट्स की बात कर लेते हैं, तो जो ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से एंट्री लेंगे उनके लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ से
55 यूएसडी वाला एरिया, और सेकंड टारगेट रहेगा 58 से लेके 60 यूएसडी, वो आप दो पार्ट में आपको सेल आउट करना है, 60-40 के रेशो में आपको सेल आउट करना है। फर्स्ट एरिया 55 जहां पर आपको 60% पार्ट सेल आउट करना है, सेकंड 58 पर 60-40। शॉर्ट टर्म में जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, जिनका शॉर्ट टर्म का पर्सपेक्टिव है, उनके लिए टारगेट रहेगा 65 यूएसडी, जहां तक आपको ऑलमोस्ट 50% तक का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बाकी लॉन्ग टर्म में आप इस कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही लो लेवल पर हम इस कॉइन में एंट्री ले रहे हैं, और यहाँ से नॉर्मल बीटीसी में रिकवरी होती है, नॉर्मल मूवमेंट होता है, तो भी ये कॉइन आपको इजीली, यानी कि अगर आपका 1 ईयर का पर्सपेक्टिव है, 1.5 ईयर का पर्सपेक्टिव है, बीटीसी 35,000-30,000 पर भी ट्रेड करता है आने वाले साल में, तो आपको इजीली ये कॉइन जो है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, कुछ चीज़ें मोबाइल में अनएक्सपेक्टेड हो गई है। तो लॉन्ग टर्म में भी अगर आप बीटीसी की अगर बात करें तो 30,000-35,000 पर ट्रेड करता है, तो आराम से आपको ये कॉइन 180 यूएसडी से लेकर 200 या 250 यूएसडी पर भी ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। जो नए इन्वेस्टर है वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में ज़रूर इनरोल करें, ताकि आप क्रिप्टो लॉसेस से बच पाएं, प्रॉपर आपको गाइडेंस मिल पाए, प्रॉपर आपको सिग्नल वहाँ पर मिल पाए, और भी बहुत सारी बेनिफिट्स हैं। तो जो इंटरेस्टेड है, आप कम से कम बेनिफिट तो जान ही सकते हैं, इंस्टा पर डीएम करके, इंस्टा हमारा जो इंस्टाग्राम है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ज़्यादातर जो इन्वेस्टर है, ज़्यादातर नई जो जनरेशन है वो इंस्टा चलाते हैं, तो इंस्टा पर भी आप फॉलो करके कुछ अपडेट्स आपको ले सकते हैं, आपकी कोई क्वेरीज होगी वो रिजॉल्व हम करेंगे, ये चीज़ें तो नॉर्मल से एज अ फ्रेंड। बाकी यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप के वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें। थैंक यू।